धनबाद जिले के टुंडी विधानसभा ड्रे में विधायक मथुरा महतो पर सामाजिक संस्था एक्शन फोर्स ने गंभीर आरोप लगाए। संस्था द्वारा गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि टुंडे विधायक मथुरा महतो ने अपने मंत्री विधायक कार्यकाल में बड़े पैमाने में चल अचल संपत्ति अर्जित की। धनबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन खरीदी, अपने नाम के साथ साथ अपने घर के सदस्यों रिश्तेदारों के नाम से जमीनें खरीदी। जमीन से संबंधित दस्तावेज उनके पास है जो उसका प्रमाण है। जिले के बड़टाड़, दामोदरपुर, बरबैद में 3 स्थानों में, परसिया में 2 स्थानों में जमीन विधायक ने खरीदी है। इसके अलावा 40 से अधिक LIC इनके द्वारा किया गया है। सालाना 18 लाख रुपए का इसके लिए भुगतान करते हैं। कई बैंक खातों में बड़ी लेन देन विधायक द्वारा किए गए हैं। भेलाटाड़, डोरंडा, रांची में बैंक खाते हैं। विधायक ने 2015-16 में इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया था जिसमें 3 लाख की संपत्ति बताई थी। वहीं 2019-20 में 15 लाख रुपए का रिटर्न दाखिल किया, 5 गुना संपत्ति बढ़ी है। जयमन विधायक ने अपने हलफनामे में बताया कि उनका कोई व्यापार नहीं, वो एक सोशल वर्कर के रूप में काम करते हैं। अगर विधायक एक सोशल वर्कर हैं तो बड़े पैमाने में ज़मीन कैसे खरीद, ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन कैसे खरीदी है, जनता को इसका जवाब विधायक को देना होगा। क्या कुछ आदेश जी, आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है कि टुंडी विधानसभा के माननीय विधायक उत्तर प्रसाद महतो जी ने धनबाद जिले में बड़े पैमाने पर अचल संपत्ति इकट्ठा किया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर बैंकों में खाता खुलवाया है और उसमें बड़े पैमाने पर उस पर लेन देन किए हैं। धनबाद के बहुत क्षेत्रों में उन्होंने ज़मीन अर्जित की है और उस ज़मीन का कम से कम जो है जो उनका पैतृक भूमि के अलावा उन्होंने अपने मंत्री जब वो थे और जब विधायक रहे हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने और अपने परिवार के लिए जो है ना संपत्ति अर्जित की है, जिसका डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है कि मौजा बरबैद में कम से कम 6.5 डिसमिल और बरबैद में ही 28.0 डिसमिल और बरबैद में ही 61.0 मतलब 61 डिसमिल ज़मीन जो है, उसके अलावा जो है बरबैद में ही 20 डिसमिल और, यानी कम से कम बरबैद में ही, मौजा बरबैद में उन्होंने कम से कम 200-250 डिसमिल करीब जो है 200 से ऊपर डिसमिल जो है ना उन्होंने परचेज किया है। इसके अलावा दामोदरपुर में, उसके अलावा परसिया का मौजा में, परसिया के कई मौजों में, इसके अलावा बड़े पैमाने पर जीट की संख्या भी दी गई है जहाँ वो उन्होंने अपने और अपने परिवार के लोगों के बीच में जो है ना वो जमीन का परचेज करने का काम किया। तो माननीय विधायक जी बताया कि ये पैसा का स्रोत क्या है, यही नहीं उन्होंने कम से कम 45 LIC में अपने पैसा जमा किया है। 45 में जिसका प्रीमियम वो है वो करीब प्रत्येक साल 18 लाख रुपया करीब पड़ता है, उसका प्रीमियम जमा कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से डिपॉजिट किए हैं जिसका सब बारे में डिटेल्स दिया गया है, सहारा क्यू शॉप में, सहारा इंडिया में, और यही नहीं सन 2014-15 में उन्होंने जो रिटर्न दाखिल किया था वो 2-3 लाख से कम था और जब उन्होंने लास्ट जो है 18-19 में जो रिटर्न दाखिल किए वो कम से कम 15 लाख यानी 5 गुना ज़्यादा उनकी संपत्ति खुद बढ़ी। तो बताएंगे कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कौन सा ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसके बारे में, जबकि उन्होंने हलफनामा अपना दिया है कि मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरी एक 35 पे है और कृषि भूमि जमीन है जिससे मैं अपना जीविका उपार्जन करता हूँ। लेकिन एक जीविका उपार्जन करने वाला और काम करने वाला इतनी ज़मीन कहाँ से खरीदे, इतनी प्रॉपर्टी, इतना इनकम, इतना टैक्स में जो रिटर्न भरे हैं, ये सारा चीज़ कहाँ से आया है, ये आज सवाल जनता के बीच का है।